ओम गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। गणपति वासवी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर के चौबे आप सभी मित्रों का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, अभिनंदन। मित्रों, आप मेरे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में आप जो है माँ गणेशाय नमः लिखें, ओम हंग हनुमते नमः लिखें। भगवान गणेश का, भगवान हनुमान का आशीर्वाद पाए। और मैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो मित्रों, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। अभी देखिए मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ। आज 15 जून से 17 जुलाई तक सूर्य जो है आ जाएंगे मिथुन राशि में, कहाँ से अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके, और साथ साथ में 24 जून से 8 जुलाई तक बुध भी आ जाएंगे मिथुन राशि में, वो भी वृषभ राशि में से छोड़ के आएंगे। तो ये सही यहाँ आ गए सूर्य बुध दोनों। ये जो राशि है ये छठे भाव में, छठा भाव सूर्य बुध के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और बाकी ग्रहों की चर्चा हमें मकर राशि हो सकता है बहुत अच्छा कर रही हो, मैं वो सब चर्चा नहीं कर रहा हूँ इसमें, इन टोटल में नहीं कर रहा हूँ, केवल सूर्य बुध का बता रहा हूँ। इसमें सूर्य बुध के आने से ये छठे भाव में आ गए, तो छठा भाव से दृष्टि पड़ेगी आपको बारहवें भाव में। बारहवें भाव में बृहस्पति की धनु राशि है, तो भाई विदेश से तो लाभ मिलेगा, विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि धनु राशि है। और खर्चा भी होगा, क्यों खर्चा क्यों होगा, कि खर्चा क्यों, विदेश में विदेश भाव में बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति जो है वैसे तो अच्छे बैठे हुए हैं चौथे भाव में, तो बृहस्पति सुख भाव में सुख साधना वृद्धि करेंगे। तो मैं पूरा चर्चा नहीं कर रहा हूँ सब बातों की, लेकिन अभी केवल चर्चा इसलिए की क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है बारहवें भाव में, और बारहवें भाव में जो है राशि है बृहस्पति की कौन सी राशि, धनु राशि। तो धनु राशि होने से विदेश से तो लाभ मिलेगा और धन का खर्चा भी होगा, धन का खर्चा तो होगा भाई। यहाँ सूर्य की राशि रहती है देखिए अष्टम में, तो अष्टम में भी जा अष्टम 6, 8, 12 ये भाव जो है बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन चलिए फिर भी क्रूर ग्रहों के लिए तो अच्छे होते हैं। बुध इस समय अपनी राशि में उच्च के बैठे हैं, यहाँ पर बुध जो है अपनी राशि में ही उच्च के बैठे हैं। तो बुध जो है, और देखिए इनकी राशि जो है कन्या राशि भाग्य भाव में है, तो ये थोड़ा अच्छा है कि बुध की राशि भाग्य भाव में है, तो मकर राशियों का, मकर राशि वालों के जातकों का भाग्य जो है बुध ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाग्य बुध कंट्रोल कर रहे हैं। और बुध जो है सूर्य बुध, सूर्य बुध साथ साथ बैठे हुए हैं, छठे भाव में भी सूर्य का बुध का साथ तो है ही है, और अपनी राशि में तो और मतलब उच्च के हो ही गए, बुध जो है उच्च के हो गए अपनी राशि में, यहाँ भी उच्च के होते, यहाँ भी उच्च के होते, त्रिकोण में भी उच्च के होते, केंद्र में भी, केंद्र में तो भद्र महापुरुष राजे बनाते। तो बुध जो है यहाँ अपनी राशि में होने के कारण मिथुन राशि में है, उच्च के हैं और सूर्य के साथ हैं, तो विदेश व्यापार से लाभ, विदेश के जाना हो सकता है, विदेश में कोई नौकरी या विदेश में कोई भी संबंध हो सकता है, अच्छा पैसा मिल सकता है विदेश से आपको। और यहाँ पर अष्टम में सूर्य की राशि है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैतृक प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, अचल संपत्ति, ज्वेलरी, पैसा, मकान, जमीन, कुछ भी मिल सकता है यहाँ से, ये इनकी राशि है। और सूर्य को, सूर्य बुद्ध की दृष्टि यहाँ पर है, नाइन्थ में मैंने बताया आपको, और सूर्य के यहाँ बैठने से आपका जो है निरोग, मतलब रोग, ऋण रोग से मुक्ति मिलेगी, कोई आपका पैसा उधार है वो चुकता हो जाएगा, कोई बीमारी है आपकी पुरानी तो उस पर भी असर पड़ेगा, वो ठीक होने लगेगी। और बुध के यहाँ होने से भी देखिए थोड़ा सा बुध अपनी राशि में इसको उच्च के नुकसान नहीं करेंगे वैसे, तो फिर भी थोड़ा सा परहेज करें, मौसमी बीमारी से ज़्यादा बच कर रहें, मौसम का असर ना हो जाए। और बाकी बात तो मैं सब नहीं बताऊंगा अभी, बृहस्पति की और शनि की और शुक्र की वो सब नहीं करूंगा, केवल चर्चा मैं कर रहा हूँ सूर्य के बुध के यहाँ मिथुन राशि में आने से। पर ये छठे भाव में आए, दृष्टि जा रही है बारहवें में, वो अच्छी है बात। और ये अच्छी बात है कि इनकी राशि
कन्या राशि भाग्य भाव में। तो इसलिए मकर राशि के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा नहीं बुरा भी नहीं। मकर राशि के लिए केवल एक अच्छाई है कि ये विदेश भाव से अच्छा फल मिल सकता है और बीमारियों से और शत्रुओं से कोई डर नहीं है। सूर्य जो है शत्रु को भगा देंगे, शत्रु बनता है, और ये भाग्य तो अच्छा हो रहा है। तो बस यही यही कह सकता हूँ कि बुध की राशि वहाँ होने से और बुध का अपने राशि में होने से ये क्या है, भाग्य वर्धन हो रहा है, भाग्य वर्धन, भाग्य अच्छा, भाग्य अच्छा हो गया। तो भाई ये सूर्य का बुध का संयोग भी क्या कहेंगे आप, मैं गुड कह सकता हूँ। कुछ राशियों के लिए वेरी गुड है, कुछ राशियों के लिए वेरी वेरी गुड है, पर मकर राशि के लिए मैं सूर्य का बुध का अभी संतरण जून में, जून जुलाई में, यानी एक महीना आधा जून का आधा जुलाई का अच्छा कह सकता हूँ। अच्छा है, बुरा नहीं है, नुकसान तो नहीं है कम से कम, क्योंकि यहाँ ये सब पूरा देखेंगे अब तो बृहस्पति भी सुख भाव में फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन खाली सूर्य का बुध का संयोग जो है अच्छा है, ये भी मतलब बुरा फल नहीं देगा। तो मकर राशि वालों, ओवरऑल आपका अलग मैं बता चुका हूँ, देखिए उसको पूरा भविष्यफल जून महीने का, जुलाई महीने का अलग बताऊंगा, लेकिन अभी सूर्य का बुध का ये संतरण जो है आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा ही है। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, नमस्कार।